तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सर। मैं स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में आईटीबीपी कोस्टल ड्राइवर के बारे में गाइस कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। आपका फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, यह डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। आपको दोस्तों कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको पूरा ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स उसके चलते मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। गाइस आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या, सेंटर सर्टिफिकेट ना होने पर बाहर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके सभी बातों का जवाब दूंगा, आपको वीडियो गाइज पूरा देखना है, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स हम एक बार नीचे स्लाइड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आईटीबीपी कोस्टल ड्राइवर, इसमें गाइज आपकी टोटल पोस्ट की बात करूँ, इसमें आपकी टोटल पोस्ट 134 है, ओके। और फ्रेंड्स कई पूछ रहे थे मुझे कि इसमें अभी टोटल वैकेंसीज हैं जो इतनी 134, इसमें वैकेंसीज बढ़ने कितने चांस है। तो दोस्तों अभी कोई चांस नहीं है आपके वैकेंसीज बढ़ने के। अगर आपकी भविष्य में वैकेंसीज बढ़ती है तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना ले इस बात की। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट आपके लिए। फ्रेंड्स कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 10+2 मार्कशीट, दोस्तों आपके पास 10+2 की मार्कशीट होनी बहुत ही जरूरी है, जिसको हम डीएमसी बोल देते हैं, ठीक है, आपके पास वो होनी बहुत जरूरी है। और क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी एक होता है, वो भी अगर आपके पास है तो सही है, अदरवाइज आप 10+2 की मार्कशीट से भी आपका काम चल जाएगा, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डोमिसाइल स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो दोस्तों आपका एक डोमिसाइल होगा, वो भी आपको वहां पे जरूर लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ध्यान दीजिएगा डोमिसाइल होना आपके पास अनिवार्य है, ओके। फिर नीचे देखिए SC ST कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स कई दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि सर इसमें हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए फिर सेंटर का होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, मैं आपके पास जो नॉर्मल होता है वो ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेंटर का आपके पास बहुत अनिवार्य है, वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और फ्रेंड्स वो सर्टिफिकेट कौन सा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। फ्रेंड्स मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से होगा, सेंटर सर्टिफिकेट SC ST कास्ट के लिए जो बनता है। आप इस सर्टिफिकेट फ्रेंड्स मैं इसके बाद आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ऊपर देखिए यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST, ठीक है दोस्तों, आपके ऊपर यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर मिलेगा SC ST मिलेगा। और आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, नाम रोल नंबर, ठीक है, आपको अपना यहाँ पे नाम फादर नेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपका घर का नंबर, आपकी कौन सी कैटेगरी, आपको सब कुछ फिलअप करके आपके जो वहाँ पे तहसीलदार होता है या फिर आपके घर पे आपके गांव में जो भी मतलब नंबरदार होता है, उस पहले उसके नंबरदार के साइन होंगे, फिर तहसीलदार के साइन होंगे, फिर आपका ये बनके कंप्लीट हो जाएगा। तहसीलदार आपके फोटो पे एक मोहर मार देगा, आपको एक फोटो चिपका लेना जैसे कि मैंने चिपका रखा है, कुछ इस प्रकार से होगा ये, ठीक है, आप बनवा लेना इसको दोस्तों। और फ्रेंड्स देखिए इस फॉर्म की एक पहचान बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे नीचे आपको ये धाराएं मिलेंगी, उसके ऊपर एक धाराएं लिखी होंगी, देखिए आप ये देख रहे हो जो मैं यहाँ पे स्लाइड कर रहा हूँ इनको, आप गाइस ये धाराएं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, कुछ फेक भी होते हैं तो गाइस आपको फेक नहीं बनवाना है, आपको एकदम अच्छा वाला बनवाना है। तो मैं आपको मैंने पूरा बता दिया दोस्तों, उसके ऊपर एक धाराई होंगी, एक जब धारा देख रहे हो बिल्कुल मतलब पूरा बड़ा सा फर्रा होगा, आपको आपको ये तैयार करवाना है, ठीक है। आपको फिर भी कुछ डाउट लगे आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब पक्का दूंगा। दोस्तों ये चैनल आपका है, मैंने आपके लिए बनाया है, तो आप प्लीज मुझे बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं। और दोस्तों आगे देखिए 8 फोटो कलर, आपके पास फ्रेंड्स 8 फोटो कलर होने चाहिए, उनका बैकग्राउंड ब्लैक या व्हाइट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात पे। और फोटो जो भी आपके पास हो कलर फोटो होने चाहिए, ठीक है, 8-10 फोटो आप वहाँ पे लेके जाएं, आपका काम आराम से चल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आईडी प्रूफ, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, आपके पास दोस्तों एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, इसमें आपके पास आधार कार्ड या फिर पैन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास वो भी चल जाएगा आपका। और जो भी ड्राइवर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं अभी स्पेशली, ठीक है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हैवी एंड लाइट, दोनों लाइसेंस आपके पास अनिवार्य हैं, ये लाइसेंस आपके आपके वहाँ पे चेक किए जाएंगे तो आपके पास लाइसेंस भी होने चाहिए दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको मैं अलग से बता रहा हूँ, आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए इसमें, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी दोस्तों, ठीक है। और कई मेरे फ्रेंड्स का कमेंट था क्या सर सेंटर सर्टिफिकेट ना होने पर हमें बाहर कर दिया जाएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है यार, क्योंकि भाई जिंदगी का सवाल होता है, ठीक है, आप सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता है ना तो भाई आपको बाहर नहीं करेंगे। क्या सुना आपने, अगर आपके पास सेंटर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको बाहर नहीं करेंगे भर्ती से, आपको 3-4 या 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, आप इस सेंटर सर्टिफिकेट को आराम से बनवा सकते हो, इसमें फ्रेंड्स आपका ज्यादा समय नहीं लगता है, ये सेंटर सर्टिफिकेट है जो आपका एक ही दिन में तैयार हो जाता है। क्या सुना आपने, ये सेंटर सर्टिफिकेट दोस्तों आपका एक ही दिन में तैयार हो जाता है,
आप सबसे पहले कोर्ट तहसील में जाओगे, अपने नंबरदार के साइन करवाओगे और तहसीलदार इस पे मोहर मार देगा, तो आपका काम कंप्लीट हो जाता है। ज्यादा इसमें प्रोसेस नहीं चलता आपका सर्टिफिकेट बनवाने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कीजिएगा, कि मेरे फ्रेंड्स को चैनल सब्सक्राइब करना नहीं आता है। काफी क्वेश्चन आते हैं, सर चैनल सब्सक्राइब कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ चैनल सब्सक्राइब कैसे करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब आप मेरे वीडियो के नीचे देखोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब का, आपको फ्रेंड्स सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, अपना बेल बटन जो साइड में आपको आ गया ये भी आपको ऑन कर लेना, ताकि आप ये बेल बटन ऑन कर लेते हो फ्रेंड्स, आपके लिए जो महत्वपूर्ण वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बेल बटन पे ऑन करने पे। ठीक है, तो आपका बेल बटन भी आपको जरूर ऑन कर लेना और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स आपका कुछ भी डाउट लगता है वीडियो में, कुछ भी आपको पूछना हो मुझे, आप भेजिए कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा। तो फ्रेंड्स आज का हम अपना क्यूज पर्सन देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कान्हा पार्क किस राज्य में स्थित है? कान्हा पार्क किस राज्य में है स्थित है, आप देख लीजिएगा कान्हा पार्क किस राज्य में है। तो आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। फ्रेंड्स आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कान्हा पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। इनमें से आपको एक आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताना है, आप प्लीज मुझे कॉमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या बन सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपने स्टडी ध्यान से कीजिएगा, और जिन मेरे फ्रेंड्स का आईटीबीपी ट्रेडमैन का पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत ही जल्द आने वाला है अभी। ठीक है, आप टेंशन ना ले एग्जाम्स की। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था।